still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं. आपने समझ तो लग ही गया होगा कि आप मैं यहाँ पे क्यों हूँ. मैंने ये लुक क्रिएट की है, मेकअप. आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी. ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे होनी तो चाहिए, पर पता नहीं. सो मैं आप जा रही हूँ डाउनस्टेयर. आज मुझे साग तो बनाना था, पता नहीं बना पाऊँगी या नहीं. समय ऑलरेडी 2:30 हो चुका है और मैंने आज मेरी कई सारी वीडियोस के साथ फिनिश किया. जो मेरे मिसिंग पार्ट थे उनको मैंने दोबारा से शूट किया और ये लुक जो मेरी ख़राब हो गई थी उसको दोबारा से शूट किया. सो यहाँ आज का दिन मेरा अच्छा प्रोडक्टिव गया है और मेरे पास काफ़ी अच्छी एनर्जी भी है. और अब साग बनाऊँ या नहीं पता नहीं, देखते हैं क्या करते हैं. सो लेट्स शुरुआत करते हैं हमारे आज के व्लॉग के साथ. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें. मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे दोस्त भूल जाते हैं. सो जब भी याद दिलाती हूँ ना, इसी को सब पॉज करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें, कोई प्यार ऐसा कर दें. और दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ डाउनस्टेयर अब. और सबसे पहले हिम्मत को कुछ खाने के लिए देने वाली हूँ. उसको खाना है फिश कुकी. और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है. कल मैंने आलू के परांठे बनाए थे, उसका थोड़ा सा मिक्सचर बचा हुआ है, उससे मैं अपना परांठा बनाऊंगी. और मेरे पीछे बहुत सारा क्लटर है, उसकी दो वजह है. क्योंकि आज मेरा गार्डनिंग का दिन था और मैंने सारे पौधों को मैनेज किया है. कुछ को मुझे रीपॉटिंग करनी थी. आप सॉइल देख सकते हैं वहाँ पर, तो वो मैंने की है. और साग है क्योंकि साग को करना है. छलियाँ हस्बैंड खूब सारी लेके आए हैं, उनको भी खाना है. सो और मैं मेरे स्टेनलेस स्टील बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ. तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैस है, डोंट वरी. अब सबसे पहले मैं परांठा बनाऊँगी मेरे लिए और हिम्मत के लिए. जब तक वो फिश कुकी खाता है तब तक मैं बचे हुए आलू के साथ परांठा बनाती हूँ. और क्लीनिंग हम लेटर करेंगे बिकॉज हम हमारी एनर्जी इस काम में वेस्ट नहीं करेंगे. और पता नहीं मैं आज बनाऊंगी साग या नहीं, क्योंकि साग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए. हो सकता है बना लूँ, हो सकता है नहीं बनाऊँ, उसके बारे में बाद में सोचते हैं. पहले हम परांठा खा लेते हैं. और राइट, मैं हमेशा मेरे पौधों को इतना ज़्यादा मूव नहीं करती हूँ, यहाँ पे नहीं लाती हूँ. पर आज मुझको उनको फर्टिलाइज करना था, रीपॉट करना था और कईयों को क्लीन करना था, इसलिए मैं वहाँ इतने बिखार लिया है मैंने. और कल ग्रॉसरी शॉपिंग की मैंने भी, हस्बैंड ने भी, तो उनको भी मैंने जितना मुझसे मैनेज हुआ उतना ही करा. मैं अपने आप को ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर मुझे अगले कुछ दिन प्रॉब्लम होती है. सो इसलिए मैं लाइटली चीज़ों को लेती हूँ. अब मैंने मेरी एरिया को थोड़ा क्लीन किया है, अब बनाऊंगी मैं परौंठी. और हिम्मत ने परौंठी खाने से मना कर दिया है. वो खा रहा है एग के साथ प्लेन परौंठी और मेरी आलू की परौंठी. ये आलू परौंठी इज रेडी. Everybody's smoking, honestly I'm lonely. My mind is somewhere else again. Alright, दोस्तों, तो मैंने साग बनाने का प्लान बना लिया है. पर ये साग है ना, पत्ती खराब लेके आए, पत्ते ऑलरेडी गले हुए हैं. पता नहीं वो चीजें देख के क्यों नहीं लेके आते हैं, अदे ले आंदे हैं. और लुक एट दिस, पीले पत्ते और कुछ पत्ते गले हुए स्मेली हैं. सो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें इसमें से वेस्ट जाएंगी. सो यहाँ मैं करने वाली हूँ जल्दी से क्लीन एंड साग को रख देते हैं. और मैंने छलियों को कर लिया है, हस्बैंड के आते हम इसका स्नैकिंग कर सकते हैं. I was in a nightmare, searching in the dark, but I couldn't find you. There were footsteps coming down the hallway, but when I turned around, it wasn't you. I was looking at myself, I couldn't see my face, but deep down I knew it was true. Shadows handed me a question, if I ever lost you, what would I do? What would I do? Alright, दोस्तों, इतना सारा मैस था, सिर्फ इतना प्रोडक्ट निकला, वो भी बहुत अच्छा नहीं है. लाइक गला हुआ है, पत्ते ये येलो है, पर मैंने जो निकाला है वो बेटर है. आप इतनी मेहनत करके साग बनाते हैं और वो तो पत्ते वधिया ना लगे हैं ना हस्बैंड पे, इतना सैड है. बस इतना प्रोडक्ट निकला. Relief came with a little breath, with nothing else to do, I had to
When I saw the clock was hitting midnight, your clothes were all packed and the dog was gone too. So what do I do? Alright, so साल को मैंने रख दिया है और इस एरिया को भी मैंने क्लीन कर दिया है. फिर थोड़ा सा मुझे काम करने के लिए जाना पड़ेगा बेसमेंट में लॉन्ड्री का, सो वो करने के लिए जा रही हूँ अब मैं. और last night my fake ID got stolen. I dropped my phone, cracked the screen. Roommate just smoked all my weed. My life's a mess, I didn't notice. Whenever bad shit happens, doesn't bother me at all, no. I'ma do it how I want, so don't feel no fear. Living young and reckless, I don't really give a fuck, no. I just turn the music up so I can't hear. Dancing like I'm alive, dancing just to survive. Dancing like I'm alive, moving like I'm alive, moving just to survive. Moving like I'm alive. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. My credit card is at its limit. I missed my Uber by a minute. No one's home, lost my keys. Tinder's got no match for me. My life's a mess, I just go with it. Whenever bad shit happens, doesn't bother me. Hey, yaar, jaldi karo. Yaar, main nahi kar. To diya gali roti cancel ho yaar, nahi kar. चलो अभी तो कैंसल तो उन्होंने मिलनी है मेरी. ऑलराइट दोस्तों, साग तैयार हो चुका है. हस्बैंड को मैंने सर्व कर दिया. मुझे नहीं लगता कि वो और खाएंगे, तो मैं अब अपने लिए बनाऊंगी. और हिम्मत के लिए मैं कनक वाली रोटी बनाऊंगी, गेहूं वाली, क्योंकि वो नहीं खाना ये रोटी. सो यार, देन वी आर डन विद आवर डिनर फाइनली. आज डिनर करने के लिए हम बहुत लेट हो गए. 7:55 हो चुके हैं ऑलरेडी. वैसे भी बाहर देख के ऐसे लग रहा है कि 9 बज रहे हैं, क्योंकि आज ग्लूमी दिन है और बाहर बारिश हो रही है. No one knows I'm acting. Every time they're asking, make them believe that it's all good. Faking smiles and laughing, playing like I'm happy all the time. The girl who can do everything, never bothered by anything. Crying till I. ऑलराइट दोस्तों, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप खोए वाली बर्फ़ी कैसे घर पे बना सकते हैं. अब मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर इसका जो एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, तो मैं लेने वाली हूँ अराउंड 1.5 लीटर दूध. सबसे पहले हम इसे करेंगे बॉयल. बॉयल करते हुए भी मैं इसमें कड़छी चला रही थी ताकि दूध नीचे नहीं लग जाए. और बॉयल करने के बाद हम इसको सिमर पे कुक करेंगे, तब तक जब तक ये आधा नहीं रह जाता. पर ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि आपको कड़छी हमेशा चलाते रहना है ताकि दूध नीचे से जल नहीं जाए या नीचे नहीं लग जाए. सो ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है. और इसको इस दूध को आधा होने में अराउंड 1 घंटा लग गया था. सो इसमें मैंने कड़छी चलाई, मेरे हस्बैंड ने चलाई, तो काफ़ी हमें वेट करनी पड़ी. सो वंस दूध अराउंड आधा रह जाता है, तो अब बारी आती है नींबू ऐड करने की. कि मैं अराउंड 1 teaspoon लेमन जूस का ऐड कर रही हूँ. उसके बाद मैं इसको अगेन से चलाते रहूँगी जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता. दूसरी तरफ मैंने ये केक वाले पैन में देसी घी लगा लिया है, ताकि जब मैं इसमें बर्फ़ी का मिक्स डालूँ वो नीचे नहीं चिपक जाए. और अब इसको फिर से मैं कुक करती रहूँगी तब तक जब तक ये कम नहीं हो जाता. और वंस ये अच्छा मुझे गाढ़ा लग रहा है, अब मैं इसमें शुगर ऐड करना शुरू करूँगी. शुगर मैं 1.5 लीटर दूध में 1 कप ही ऐड कर रही हूँ. आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी. शुगर को मैं एकदम ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ. उसको मिक्स कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ, अगेन थोड़ा सा ऐड करती हूँ, फिर से कुक करती हूँ. Thank you.
और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये बहुत गाढ़ा खोए जैसा नहीं हो जाता। और जब ये खोए जैसा दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी के ऐड करूँगी। उसकी वैसे ज़रूरत है नहीं, पर आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं ऐड करूँगी। और आप देखिए कि जब इसको मैं चला रही हूँ और ये इसके छींटे कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं, और इसके लिए मैंने इस पैन का ढक्कन रखा है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अब ये रेडी है निकालने के लिए। इसको मैं उस देसी घी वाले की एक पैन में निकाल लूँगी। और इसको आप ठंडा होने की वेट करें, जब ये ठंडा हो जाता है तो पीसेस करके आप सर्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था, सुबह उठ के ही मैंने इसको काटा है और मैंने गार्निश की है पिस्ते के साथ, और ये खाने के लिए रेडी है। और ये बहुत डिलिशियस बनी थी बर्फ़ी। अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। ऑलराइट दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग पसंद किया होगा। अगर आप बर्फ़ी को ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, ईजी राइट? सो या, bye. Lalu.